यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड अपडेट। बिल्कुल आपके बीच में हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के तहत आयोजित की गई भर्ती परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें हम टोटल पदों की बात कर रहे हैं 655। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक अपडेट आ रही है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, जो कि ऑफिशियल नोटिस आपके बीच में लगी हुई है। आप सभी को पता है, नीचे देख पा रहे हैं टोटल 3398 सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी। बिल्कुल आप सभी का जो भी फिजिकल वगैरह हुआ था, उसमें जितने लोगों को सफल किया गया है उनकी संख्याएं हैं 3398, और इन 3398 सफल अभ्यर्थियों की जो सूची है उसका पूरा बायोडाटा इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आगे देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है कि ये जो 3398 सफल अभ्यर्थी हैं, इनकी जो आगे की प्रक्रिया है वो क्या हो सकती है, कैसे होगी, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के संदर्भ में पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल नोटिस से रूबरू कराते हैं। देखिए, आपके बीच में ऑफिशियल नोटिस लगी हुई है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूति खंड लखना जो है गोमती नगर। आगे आपके बीच में कहा जा रहा है, देखिए दिनांक आज की डेट में यह अपडेट्स वायरल की जा रही है। आगे कहा जा रहा है आयोग की विज्ञापन संख्या इतना, वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य जो है रक्षक एवं जो है वन्य जीव रक्षक की विज्ञप्ति कुल 655 के सापेक्ष चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 21/8/2022 को प्रदेश के 27 जनपदों में आयोजित की गई थी। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक की कुल 655 पदों के सापेक्ष शारीरिक मानक परीक्षा यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चयनित कुल 5630 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की विज्ञप्ति संख्या इतना द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उक्त अभ्यर्थियों के मानक परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा हेतु गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गुडम्बा कुर्सी रोड लखनऊ में दिनांक 20/3/2023 से 17/4/2023 तक आयोजित की गई थी। संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक के कुल 655 पदों के सापेक्ष मानक परीक्षा एवं जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल कुल 3398 अभ्यर्थियों का परिणाम माननीय आयोग की बैठक दिनांक 31/7/2023 को अनुमोदित किया गया है। आगे आयोग के अनुमोदोपरांत जो है वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक विज्ञप्ति कुल 655 पदों के सापेक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु विज्ञापन इतना शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल 3398 अभ्यर्थियों की 11 पृष्ठीय सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। आपके बीच में जो है रोल नंबर वाइज दिया जा रहा है। अगर यहां देखिए, ऊपर आपके बीच में बताया भी जा रहा है कि वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक सामान्य प्रतियोगात्मक परीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा शारीरिक दक्षता एवं सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक, ठीक है, ये जितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं सभी के अनुक्रमांक इसमें दिए जा रहे हैं। अब इनका क्या होगा, आपको अगर हम बताएं तो इनका चिकित्सीय परीक्षण होगा। जैसा कि यहां आप देख पा रहे हैं 3398 अभ्यर्थियों को जो है सफल घोषित किया गया है, और आपके बीच में जो पद कितने हैं ये पदों का विवरण आप देख पा रहे हैं 655, यानी अभी भी इस जितने लोग सफल किए गए हैं इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बाहर किए जाएंगे, और टोटल पदों के सापेक्ष जितने भी भर्तियां हैं 655 लोगों का ही फाइनल सिलेक्शन होना सुनिश्चित होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इसमें अगर सिलेक्शन ले लिए हैं तो आप अपना नंबर जरूर देख लेंगे, रोल नंबर, कि आपका इसमें है या नहीं है। जिनका होगा वो चिकित्सीय परीक्षण के लिए आगामी कुछ ही दिनों में आपके बीच में यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से अपडेट्स जारी की जाएगी कि आपका जो फाइनल चिकित्सीय परीक्षण है वो कब कराया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपका इसमें रोल नंबर नजर आ रहा है, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि भैया हमारा सिलेक्शन हो चुका है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।